ये वीडियो में मैं आपको पूरे रीजन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके बाद हमको टीम गोल्ड लाइक अभी भी BGS में देखने को मिल सकती है। एंड गाइस साथ ही में टीम सोल के कोच अमित ने कुछ वार्निंग दी कि ये मत करो। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? गेमिंग न्यूज 15 के हेयर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं कुछ लोगों को एक्सपोज कर देता हूं। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उसमें से प्यारे 26% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, बट स्टिल 73% लोगों ने गाइस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो कर दो यार, आपको बस टच करना है। एनीवेज गाइस, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जहां पर पहली अपडेट निकल कर आती है गोल्ड लाइक पावर के रिलेटेड। तो गाइस कल की वीडियो में हमने देखा था जहाँ पर एस पावर वापस से टीम ब्लाइंड के साथ में खेल रहे थे। एंड इसके बाद कुछ लोग ये न्यूज बनाने लगे कि क्या एस पावर वापस से ब्लाइंड को ज्वाइन करने वाले हैं। एंड गाइस ये सब के बीच में एक और इंसिडेंस हो गया, जहाँ पर गोल्ड लाइक की गणपति पूजा में हमको एस पावर देखने को नहीं मिले थे। तो गाइस फिर कुछ लोगों को ये लगा क्या समथिंग इज एक्चुअली रॉन्ग। बट गाइस इसके बाद जब गोल्ड लाइक लोल्स लाइव आए, तो उन्होंने ये चीज के रिलेटेड रिप्लाई किया। आप देखिए, एस पावर नहीं था कल भाई, अरे उसके घर पे भी गणपति थे ना, तो वो वहां पे बिजी था। जॉनी भी मतलब आ गया एंड एंड में, ना वो भी आएगा, मेरे को लगा था कि वो स्किप हो जाएगा उसका भी, बट वो एंड एंड में आ गया था। बट सही था यार, हम लोगों ने बहुत मजे किए। मेरे जो अभी पैर दर्द कर रहे हैं ना ब्रो, नेक्स्ट लेवल दर्द कर रहे हैं। बट वही बेसिस पे मैं कल स्ट्रीम नहीं किया, मैं बोला यार अभी ज्यादा खींचूंगा ना तो मेरे को ही इफेक्ट होगा ये, मतलब पैर और ज्यादा दर्द करेंगे। मैं कल का एक ब्रेक ले लिया। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम सोल के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है टीम सोल के कोच अमित की तरफ से। तो गाइस पिछले 2-3 दिन में हमको ये सुनने को मिला था, जहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि टीम सोल काफी पैसिव खेल रही है, एंड अगर पैसिव खेल ही रहे तो ये बोलना बंद करो कि हम लोग एग्रेसिव टीम है। तो गाइस ये चीज पर सोल अमित ने रिएक्ट किया, आप देखिए। ना मैंने ना मेरी टीम ने कभी किसी ने बोला कि हम मोस्ट अग्रेसिव टीम है, ठीक है, या मोस्ट जो भी है, ऐसा कुछ भी कभी ना मैंने कहीं दावा किया है स्ट्रीम में या कुछ भी। हम हैं, मैंने बोला कि हम बनना चाहते हैं, तो हर टीम बनना चाहती है, पर मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम मोस्ट अग्रेसिव टीम है। तो मेरे को ये बोल के ट्रैवल करना बंद कर दो भाई, या मेरी टीम को, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इस बात का। और ऐसा नहीं है कि भाई 4v4 नहीं हो रहा तो उस चीज़ का ब्लेम तुम डाल दो कि टीम पैसे खेल रही है। भाई टीम या पैसे खेलने का दूसरा रीज़न है पोजीशन पॉइंट में कंसिस्टेंट रहने वाला। और ऐसा नहीं है कि फाइट अगर हम हार रहे हैं तो जिंदगी भर फाइट हारते रहेंगे, कभी ना कभी फाइट निकलेगी भी, तो वही चीज़ है, थोड़ा भरोसा रखो। बाकी नहीं निकल रही फाइट तो क्या कर सकते हो भाई, अब मेरा कोई हाथ नहीं है, प्लेयर के बन नहीं है, प्लेयर है और उसका बन नहीं बन, तो मेरे को ब्लेम करना बंद करो इन चीज़ों के लिए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है मवी के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है गोल्ड लाइक क्रॉन्टन की तरफ से। तो गाइस क्रॉन्टन ने अपने व्यूज को शेयर किया रिलेटेड मवी, आप देखिए। अरे मवी ना देखो, अगर मवी तो मुझे पता है बेस्ट, मवी जब भी रिटायरमेंट लेगा एज अ प्लेयर मवी बेस्ट नाइजर बनेगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। बट मवी अभी खेलने का है उसको, मेरे को बहुत सही लगता है मवी, जो भी कहो गाइस, मानो या ना मानो, जो भी चीज़ें पास में हमारे बहुत ये हुए कॉन्ट्रोवर्सीज गेम में तो इतना चलता ही है, बट एज अ मतलब जो भी है उसका क्लियर होता है, मुझे तो सही है, मेरे को सही लगता है वो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ओशन शर्मा की तरफ से। तो कल वो मिले थे रणवीर सिंह से, एंड इस पर उन्होंने ये कहा, इट वाज अमेजिंग, ही गिव मी टाइम एंड टॉक टू मी अमंग्स द क्राउड। एंड गाइस साथ ही में थक भाई स्काउट एंड मॉडल भी मिले थे रणवीर सिंह से, तो आप वो भी देखिए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है BGS की तरफ से। तो गाइस डे 4 के बाद ग्रुप डी की ओरल स्टैंडिंग आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर नंबर 1 पर रहे हैं टीम इनसेन। एंड गाइस साथ ही में ग्रुप सी की ओरल स्टैंडिंग भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर नंबर 1 पर रहे हैं मार्कोस गेमिंग। एंड गाइस अगर हम न्यूमैन गेमिंग की बात करें तो वो है #6 पोजीशन पर विद 52 पॉइंट्स, विच मींस यहां से वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड दे मूव टू लूजर्स ब्रैकेट। बट गाइस ये चीज के बाद कुछ हमको ये भी न्यूज सुनने को मिली कि मैचेस के अंदर कुछ ग्लिचेस भी हो रहे थे। एंड गाइस ये सेम चीज के रिलेटेड न्यूमैन गेमिंग के सविदार की स्टोरी आप देखिए। एंड गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGS में हैकर्स एंड चीटर्स के रिलेटेड। तो गाइस ये चीज तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जहां पर BGS के शुरुआती राउंड में हमको काफी सारे चीटर्स एंड हैकर्स देखने को मिले थे। एंड गाइस इसके बाद राउंड 4 जो कि अभी करंटली चल रहा है, वहां पर भी कुछ टीम पर एलिगेशन लग रहे हैं कि क्या वो हैकिंग का यूज कर रहे हैं। एंड इफ दैट्स द केस, हमको BGS के अंदर वापस से कुछ वो टीम भी देखने को मिल सकती है जो कि ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई है, इंक्लूडिंग टीम गोल्ड लाइक एंड ओरेंगुटन। तो गाइस ये चीज के रिलेटेड पहले आप एक क्लिप देखिए, इसके बाद हैकर्स के रिलेटेड बात करते हैं। दूसरी टीम और ज्यादा डिसर्विंग है वो भी क्वालिफाई हो सकती है, बन सकता है भाई, क्या पता, मुझे नहीं पता गॉर्डन ने कहां पे वो करा है फिनिश, वो कर सकते हैं भाई, ये टीम्स निकल जाएंगी। अगर लूजर्स ब्रैकेट में कितनी सारी टीम है, तुम ये सोचो ना, जो 48 टीम्स राउंड 4 से जा रही है, 16 टीम राउंड 3 से जा रही है, राउंड 3 से भले ही ना हो पाई, सारी नहीं गई, 48 टीम्स में से कुछ मान लो 5-10 भी डिस्क्वालीफाई होती है, तो राउंड 3 से हम 10 टीम और उठा सकते हैं ना यार, तब भी तो चांस बन सकता है भाई, हो जाएगा, कितना बढ़िया, इजीली हो जाएगा, पॉसिबल है,
हाँ पॉसिबल है ना, 52 पॉइंट्स हैं। निकालो ना यार ये, इन्हें निकालो भाई। तो भाई ग्रेस हो गए, अभी निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। तो गाइस अब लेट्स सी, अगर ये चीज के रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं आपको एकदम हमारे इंस्टाग्राम से बता दूंगा। एंड गाइस अब कुछ एलिगेशन के रिलेटेड बात कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हमको ओवेस की तरफ से कुछ स्टोरीज देखने को मिली, जहाँ पर बेसिकली उन्होंने ये लिखा कि काफी लोग ये पूछ रहे थे कि आप राउंड 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे ग्रुप में एक टीम खेल रही थी टाइटन फॉर द विन और हमारे 3 गेम खराब कर दिए। एंड उसके नेक्स्ट स्टोरी में ओवेस ने ये कहा, अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो अंडर गोड्स कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे। एंड गाइस इसके बाद हमको देखने को मिलती है कुछ सस्पिशियस क्लिप्स जो कि क्लाउनी ने शेयर की, जो कि बेसिकली टीम टाइटन के एक प्लेयर के साथ में डेथ रिप्ले है। आप देखिए गाइस, फिर ये चीज पर एक और टीम है मेडल ई स्पोर्ट्स, उनके एक प्लेयर एनकोर ने ये कहा, प्रीवियस गुरु में भी हमारे साथ थे ये, मैनेजमेंट को बोला था चेक करने को बट नो रिप्लाई। एंड इसके बाद भी ये लोग डिफेंड करते हुए ये बोलेंगे कि लकी था, हेड हेड लग गया। एंड गाइस इसके बाद टाइटन ई स्पोर्ट के वो प्लेयर सिक्स सेंस की तरफ से भी हमको एक स्टोरी देखने को मिली, जो कि आप अभी देख सकते हो। एंड गाइस इसके बाद एक और टीम है जो कि क्या ऑल माइक की वजह से एक्सपोज हो गए। तो गाइस बेसिकली फाइट लेते टाइम ये टीम का माइक ऑल पर होगा। वैसे तो गाइस वो लोग बंगाली में बात कर रहे थे, बट टिंग ने इसको ट्रांसलेट करते हुए ये लिखा, जिसको बंगाली आती है उसको सुनाओ, सीधा सीधा बोल रहा है अपने टीममेट को कि इसीलिए बोलता हूँ कि मत लगा है। एंड गाइस इसके बाद हमको ग्लोनी की तरफ से एक और सस्पिशियस क्लिप देखने को मिली, आप वो भी देखिए। अभी ये टीम है, ये बंदा लेजिट है कि नहीं आप खुद देखो। अभी ओवेस की एचपी है अच्छी खासी, लाइक 60 एचपी है और मेरी 100 एचपी है, ठीक है। ये बंदा मारना चालू करते ओवेस को, ओवेस को अभी भी एक भी बुलेट नहीं लगी है। ओवेस की एचपी दिख रही है इसमें, वो मार रहा है, उसका फ्लैश आ रहा है और ये मैं भी उसको मार रहा हूँ, ये ब्लड निकल रहा है ब्लू ब्लू क्योंकि मेरी M4 ग्लेशियर है, ठीक है। अभी मैं एक दो बुलेट मिस किया यहाँ पे, अभी तक ओवेस नॉक नहीं हुआ है, ओवेस की एचपी है अभी भी, ठीक है। और ओवेस अब नॉक होता है जब इसने बर्स्ट मारा था राइट में पहले, और इसने एम स्विच करके मेरे ऊपर भी ट्रांसफ़र किया और मेरे को भी 1 HP कर दिया। मतलब ये कैसे पॉसिबल है इतना फास्ट? ओवेस को लेफ्ट वाली विंडो से मारा इस टाइम और फिर सीधा सीधा एम ट्रांसफ़र किया। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गोल्ड लाइक के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है निंजा जोड़ की तरफ से। तो गाइस उन्होंने रिप्लाई किया टीम गोल्ड लाइक के रिलेटेड, आप देखिए। देखो गॉडल वालों ने अपना ट्राई किया, बहुत अच्छा किया, बट अब कभी कभार हो जाता है यार। अब जैसे हम भी हुए नहीं थे पिछले वाला ऑफिशियल, तो वही है, कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने ऐसा थोड़ा ना कि वो जानबूझ के नहीं होने के लिए खेले, उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया ना, तो इतना बीट ही नहीं है। मैंने तेरे कॉल पे बुला रहे हैं सर, मेहनत तो कर रहे हैं ना वो लोग, मैं घातक भाई से भी बात किया था। तो एक टूर्नामेंट नहीं हुआ तो ये नहीं कि कोई टीम बहुत खराब हो जाती है गाइस। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है वैलोरेंट के रिलेटेड, जो कि क्या बहुत जल्दी अब हमको मोबाइल में भी देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस ये चीज के रिलेटेड एक क्लिप को ऑलरेडी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिस पर रिप्लाई करते हुए रुशिंद्र सिन्हा ने भी ये कहा, ये गेम दूसरे मोबाइल गेम से कम्पीट करने वाला है, नाउ दिस इज कूल। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।